थाना कमला नगर पुलिस, सीआईडब्ल्यू टीम और स्वेट टीम द्वारा जब दो बदमाशों को घेरा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गोली लगने वाले बदमाश का नाम सोनू पंजाबी उर्फ रोहित है, जिसके पास से 5.5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इस बदमाश द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक दिन पूर्व थाना कमला नगर के बल्केश्वर में एक मैनेजर के यहाँ लूटपाट की गई थी, जिसमें उन्हें 6.5 लाख रुपए मिले थे। 5.5 लाख रुपए उसके हिस्से में आए थे और 1 लाख रुपए उसके साथी कुलदीप जाटव के हिस्से में आए थे। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 12 लाख की लूट नहीं थी बल्कि 6.5 लाख रुपए ही उन्हें लूट के दौरान मिले थे। इस संबंध में जब वादनी और उसके पति से पूछा गया तो उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि उनके केवल 6.5 लाख रुपए ही गए थे। इस लूट का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया।